दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेक। बिहार के लिए बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। 38 मरीज कोरोना के थे लेकिन एक की वृद्धि हुई, 39 हुई और एकाएक मिनटों में आंकड़ा बढ़कर 50 हो गया। बेगूसराय में 2 मरीज मिल गए, 5 मरीज आपको सिवान में मिल जाते हैं और नवादा में फिर नए मरीज मिले। यह आप कह सकते हैं कि अब बिहार के लिए बुरी खबर है कि बिहार में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग संजय कुमार ने ट्वीट करके बताया कि बिहार में अब 50 मरीज हो गए हैं, मिनटों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आपसे यह सलाह दूंगा आपको कि घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क पहनकर निकलें और घर से निकलना हो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो तब निकलें। मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सिवान को एकदम हॉट जोन के रूप में माना जा रहा है। सिवान में एक व्यक्ति के कारण 10 व्यक्ति को अब तक कोरोना का संक्रमण हो चुका है और एक ही परिवार में इतने इतने लोग हो चुके हैं। बेगूसराय में मिल गए मरीज, फिर नवादा में मिल गए। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतनी होगी, लॉकडाउन का पालन करना होगा और बिहार में भी अब कोरोना तेजी से पांव पसारने लगा है। इसलिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ज्यादा ध्यान रखें और लोगों से दूरी बनाकर रखें। यह महामारी तेजी से बिहार में अब फैलना शुरू कर दिया है जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार कई ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे लोगों की हिफाजत हो सके और कानून को सख्त से सख्त किया जा रहा है। अगर आप अपने आप में सुधार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप कोरोना के मरीज बन जाएं और यह जानलेवा बीमारी है जिससे बचना अति आवश्यक है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और लॉकडाउन का पालन करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।